हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी एक नई क्लास शुरू करते हैं। ये थोड़ी एडवांस जरूर होगी, पर आप सबको इसमें जरूर मजा आएगा। आज हम सब सीखेंगे फर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी नई क्लास अटायरेशन पे क्लोथ रीडिंग के लिए। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसलिए आज हम पहले फर सीखेंगे। तो चलिए हम पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं एक 10x10 का रेक्टेंगल बनाऊंगी। ए दबा के अपने सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं। मेरा फैब्रिक यहाँ पे है, मैं इसको भी सेम तरह से लाई कर लेती हूँ, क्योंकि हम एक कारपेट की तरह इसको एक लुक देने वाले हैं, तो कारपेट है तो लेटा हुआ अच्छा लगता है। स्पेस बार दबा के इसको रेंडर कर लेते हैं और अपने कीबोर्ड पे 0 दबाते हुए इसका टॉप व्यू देखते हैं। मैं स्पेस बार से बंद कर रही हूँ रेंडरिंग और फिर इसको मैं रोटेट कर रही हूँ। अभी इसका टेक्सचर हम चेंज कर लेते हैं और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये रहा, वो हमारा बैक व्यू था इसलिए इस तरीके से डार्क दिख रहा था। अभी मैंने यहाँ पे टेक्सचर चेंज किया था, जो ये है टेक्सचर सरफेस, इससे टेक्सचर दिखता है कि हमारा कौन सा बैक है। देखिए ये डार्क है और ये लाइट है, मतलब ये फ्रंट है। तो अगर हमें कोई भी टेक्सचर नहीं देखना है, हमें केवल एक रनिंग फैब्रिक पे काम करना है, फ्रंट और बैक से कोई मतलब नहीं है, तो हम ये भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पता लगेगा। फिलहाल हम टेक्सचर सरफेस कर लेते हैं जिससे हमें फ्रंट और बैक में पता रहे। जीरो करके वापसी। किसी भी फैब्रिक को फर में करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी फर की प्रॉपर्टीज बदलनी पड़ेंगी। तो हम फैब्रिक पे क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी टाइप चेंज कर रखा है, पर नॉर्मली हमारा फैब्रिक हो रहा होता है फैब्रिक मेड। तो हम यहाँ टाइप से अपना फैब्रिक की स्पेसिफिकेशन चेंज कर लेंगे और फर करेंगे। फर के साथ देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है रेंडर ओनली, मतलब हम केवल इसको जो प्रॉपर्टीज़ हैं फर की वो रेंडर में देख सकते हैं। इस विंडो को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी विंडो में बहुत सारा काम करने वाले हैं तरीके से। और फिर हम सीधा रेंडर विंडो में चलते हैं, जिससे सब कुछ आसान होगा। रेंडर विंडो आपकी ऊपर होती है, रेंडर पे क्लिक कीजिए और फिर रेंडर। आपको अपनी स्क्रीन कुछ ऐसी दिख रही होगी, इस वजह से है क्योंकि अभी हमने रेंडरिंग रिफ्रेश नहीं करी है। रेंडरिंग के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। रेंडरिंग हमारे सॉफ्टवेयर में एक वो ऑप्शन है जिससे हम किसी भी फ़ोटो की इमेज अपने पास रख सकते हैं। ये तो हमारा काम हो जाता है जो हम 3D विंडो में करते हैं, पर रेंडरिंग हमारा एक तरह से शूट है। हम उस गारमेंट की, उस आइटम की एक फ़ोटो खींच रहे हैं, तो रेंडरिंग में हम वो करते हैं। तो हम पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, टर्न ऑफ सिमुलेशन ऑफ रेंडर। फर की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो चलिए हम अपने इस पैनल को बड़ा कर लेते हैं फिर से, जिससे
जिससे हम सारी प्रॉपर्टीज़ देख पाएँ। अपने फैब्रिक के पे क्लिक कीजिए जिससे आप वो प्रॉपर्टीज़ देख सकेंगे। देखिए आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फर पैरामीटर दिखेगा। फर पैरामीटर में मिलेनियन और फिलोमियन ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है वो एक तक जाती है, और अगर आप इसको एक तक या किसी एक से कम नंबर पे लेके जाएंगे तो आपके डिज़ाइन में आपके ऑब्जेक्ट में एक रेडनेस आ जाएगी। जैसे ये देखिए अब ये पिंक था पर ये बहुत ही डार्क पिंक हो गया है। अगर मैं इसको 0.1 पे रखूँगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके की रेडनेस अपने डिज़ाइन में अच्छी लगती है तो आप इस तरीके की रेडनेस भी रख सकते हैं। फिलहाल हम ये व्यू सेव कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखो हम अपने व्यू पे वापस चलते हैं। पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप अपने पुराने व्यू पे वापस आ जाएंगे। कस्टम व्यू से यही हमारा को बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार हमें एक पर्टिकुलर एंगल एक जगह पसंद आ जाती है कि हाँ हमारी लुक यहाँ से अच्छी आ रही है किसी चीज़ की, तो हम इस तरीके से कस्टम व्यू में उसको सेव करके रख सकते हैं। केवल आपको कैमरे पर क्लिक करना है और वो आपका जो एरिया है एक तरह से कैमरे का एरिया है आपका वो सेव हो जाएगा, और उस जब भी डबल क्लिक करेंगे आप उस व्यू को देख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ पुराने व्यूज़ रखे हुए थे तो वो कुछ इस तरीके से थे, ये देखिए। तो आप ऐसे ही अपना कोई भी व्यू सेट कर सकते हैं। हम वापस अपनी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। उसके बाद आता है ग्लॉसीनेस। ग्लॉसीनेस आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये हम शाइन की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो फाइबर है उसमें कितनी शाइन होनी चाहिए, हमारे एक फर की कितनी शाइन होनी चाहिए वो इस पे डिपेंड करती है। आप इसको मैक्सिमम 1 तक रख सकते हैं और मिनिमम 0 है ही, तो हम ज़्यादा शाइन नहीं रखते हैं फ़िलहाल के लिए, केवल 0.2 रख लेते हैं और एंटर दबाते हैं। ग्लॉसीनेस बूस्ट होता है जो हमने शाइन दी है उसमें कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट करें, जो कहीं कहीं एक अच्छी शाइन देनी है तो इससे आती है, तो इसको हम फिलहाल 0 ही रखते हैं। सॉफ्टनेस, हमारा फर कितना सॉफ्ट होगा वो इस पर डिपेंड करता है। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है, तो आप चाहें तो इसको फिलहाल के लिए ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखते और कम भी नहीं, हम 0.8 रख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारी लेंथ्स पे। हमारा फैब्रिक कैसा होगा, कितना लंबा होगा, कितना मोटा होगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बेस पे। तो यहाँ पे पहले हमारी लेंथ है, तो हमारी लेंथ के साथ लिखा हुआ है इंच, तो फिलहाल हमारे फर की लेंथ है 0.2, तो ये लेंथ हमारे अकॉर्डिंग ठीक है। हम थिकनेस देखते हैं तो थिकनेस काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, पर हम फिर भी पॉइंट इसको 3 कर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगी यहाँ पे चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ये फिलहाल एक टूथब्रश के जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो उस तरीके से लग रहा है। बैंड का मतलब है ग्रेविटी से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा अफेक्टेड होगा, तो हमें इसमें कोई भी वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा हम वैल्यू डालेंगे उतना ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा जो फर है वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट होगा, तो हमें इसको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करना है ग्रेविटी से, तो इसको 0 पे रहने दीजिए। टेपर है हमारा उसकी डायरेक्शन के लिए, तो हमने ज़्यादा टेपर नहीं रखी है, एंगल इतना नहीं दिया है, हम 0.2 रखा हुआ है, हम 0.2 पे ही रहने देते हैं। डेंसिटी है, अगर जैसे ही मैं इसको 100 कर दूँगी तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो फर है वो बहुत ही खुला खुला हो जाएगा। ये देखिए
तो ये आपकी बिल्कुल नीड पे डिपेंड करता है कि आपको अपने फैब्रिक को, अपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके का लुक देना है। फिलहाल हम इसको 500 पे ही को रख देते हैं। सेगमेंट्स होते हैं कि हमारे एक पर्टिकुलर स्टैंड में से, हमारे स्ट्रैंड में से कितने ज़्यादा सेगमेंट्स निकलेंगे। हम किसी धागे को कभी खोलते हैं तो उसमें से छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं, तो वो ही ये हमारे सेगमेंट्स हैं। तो हम इसको अगर 8 करेंगे तो देखिए कैसा हो जाता है। ये देखिए, अभी तक ये बहुत ही खुला खुला लग रहा था फिर भी, पर अब ये बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है। तो अगर आप ऐसी लुक की नीड है आपको, तो आप ये कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको 3 पे सेट कर देते हैं। अब ये बिल्कुल सही है। वेरिएंस में हम अब ये बिल्कुल सही है वेरिएंस में हम अपनी डिफरेंस दे सकते हैं कि हमारी एक मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ में कितना फ़र्क हो सकता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 तक जा सकती है, तो हम इसको फ़िलहाल 0.1 ही रहन देते हैं। थिकनेस भी सेम उसी की तरीके से है कि कितना ज़्यादा मोटा मैक्सिमम हमारा कितना होगा और कितना मिनिमम मोटा होगा, तो ये भी ठीक है। बाकी हम इसको 0 भी रख सकते हैं, तो फिलहाल हम 0 रख लेते हैं इसको। डायरेक्शन सेम उसी तरीके से है कि किस तरफ की डायरेक्शंस होनी चाहिए उसकी, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है, हम इसको 0 ही रखेंगे। ग्रेविटी हमारा सेम बैंड की तरह है, बस अब यहाँ पे इसको ग्रेविटी नाम दे दिया है। तो हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड जो है उसमें कितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो, वो ग्रेविटी से कितना ज़्यादा इफेक्टेड हो, कितना फ़र्क पड़े उस पर, तो वो इस पर डिपेंड करता है। हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं देना, तो ये 0.4 हमारे लिए बिल्कुल सही है। मैं इसमें टेक्सचर डालने के लिए मेरे पास कुछ सेव्ड पैटर्न्स हैं, तो मैं उनमें से एक डिज़ाइन ले लेती हूँ डालने के लिए। अपने फैब्रिक वाली प्रॉपर्टी में ही आप ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको टेक्सचर दिखाई देगा। टेक्सचर पे अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना पैटर्न डालने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे आप अपने पैटर्न डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस वाले पैटर्न को ले लेती हूँ। स्ट्राइप्ड है, कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है, सिंपल पैटर्न रख रहे हैं हम फिलहाल। पर आपको एक रफ आइडिया लेने के लिए, देखिए ये अभी से ही अपनी शेप ले रहा है, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, बस मेरी प्रॉपर्टी सेम थी, बस एक टेक्सचर फाइल डाली और मेरा सेम डिज़ाइन तैयार हो गया है उसी प्रॉपर्टीज़ के साथ। देखिए ये बिल्कुल ही एक कारपेट की तरह लग रहा होगा आपको। ये देखिए, मैं इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ऐसे ही, तो इतने ये रेंडर हो जाएगा अच्छे से और आप देख सकेंगे कि इसकी फाइनल लुक कैसी आ रही है। तो ये हो गई इसकी एक फाइनल लुक की, हमारा डिज़ाइन इसमें कैसा लग रहा है। रही टेक्सचर की डिटेलिंग की बात, हमें ये स्ट्राइप यहाँ ऐसे आधी आ रही है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिलहाल हम इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे फर में आप ध्यान दीजिएगा, जब हमने रेंडर किया था फर को, टाइप हमने उसका चेंज किया था, तो यहाँ पर फर प्रेजेंट आ गया था। फिलहाल हमने कस्टम फर बनाया है, आप अपने किसी भी कस्टम फर को बना के इस तरीके से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा तो उससे आपको मिल जाएगा कि आपको इमेज सेव करनी है या टेक्सचर सेव करना है, उस अकॉर्डिंग वो आपका सेव कर देगा। फिलहाल के लिए हम कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद देखिए, इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, हम टेरी क्लॉथ कर सकते हैं। टेरी क्लॉथ करते ही देखिए इसमें कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। हम फिर से अपने पुराने व्यू पे चलते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए,
जैसे टेरी क्लॉथ में लूप्स होते हैं, सेम उसी तरीके से अब इसमें भी लूप्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप